प्रत्याशी आगे। महेश्वर सिंह की करीब 173 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। महेश्वर सिंह को अब तक मिले 2005 वोट। जीत लगभग तय मानी जा रही है निर्दलीय प्रत्याशी महेश्वर सिंह की। तो 3 सीटों पर मतगणना अभी भी जारी है और लगातार यहां पर जीत तय मानी जा रही है निर्दलीय प्रत्याशी की। और चलिए सीधा संवाददाता अरुण का रुख करते हैं, उनसे जानते हैं कि फिलहाल अरुण वहां पे क्या स्थिति है, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। निवर्तमान एनएलसी बबली गुप्त ने रिकाउंटिंग के लिए डीएम निर्वाचन पदाधिकारी सहित चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि दोबारा रिकाउंटिंग कराया जाए, कि छठे अंक की गिनती में महेश्वर सिंह मात्र 5 वोटों से बबली से आगे है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पर फिलहाल क्या स्थिति है, मतगणना केंद्र की क्या स्थिति है अरुण? अभी अभी राजद के बबलू देव और निर्दलीय कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार महेश्वर सिंह दोनों के बीच टक्कर चल रही है, जिसको लेके। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सीधा आप चलते हैं निर्भय किशोर के पास, हमारे संवाददाता हमारे सहयोगी निर्भय हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़े हुए हैं। निर्भय, यहाँ हम तेजस्वी यादव के समीकरणों की बात कर रहे थे और यहाँ पे बात हम निर्दलीय प्रत्याशियों की भी कर रहे थे। बिल्कुल शर्मिला, जाहिर सी बात है कि आप प्रत्याशियों की बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले जरा सा पूर्वी चंपारण के आंकड़े मेरे पास भी आए हैं और मैं आपको बता दूं कि अब तक के क्या कुछ स्थितियां रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। देखिए, पूर्वी चंपारण में जो चुनाव परिणाम है अब तक वो मेरे पास आए हैं और इसके मुताबिक अगर आप देखिएगा तो कुल 14 चरण में जो मतगणना हुई और इस मतगणना के दौरान अगर आप देखेंगी तो महेश्वर सिंह को अब तक कुल 2005 वोट मिले हैं। और ये महेश्वर सिंह की जो सीट है ये समझ लीजिए कि एक तरीके से राजद की ही सीट है, क्योंकि महेश्वर सिंह राजद समर्थित उम्मीदवार हैं, निर्दलीय प्रत्याशी जरूर हैं, लेकिन इनके जीत के बाद भी लगभग राजद के पाले में ही ये पूर्वी चंपारण की सीट जाने वाली है। यहाँ पर लड़ाई अगर देखेंगी तो कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी टक्कर रही है। यहाँ पर आप जो देखेंगे अलग अलग प्रत्याशियों के बारे में आपको बता दूं कि सबसे अधिक 2005 वोट महेश्वर सिंह को मिले हैं, उसके बाद देखिए 1832 और फिर उसके बाद 1791 वोट मिले, बाकी सारे प्रत्याशी लगभग अपनी जमानत जब्त करा चुके हैं। तो कुल ये पूर्वी चंपारण के रही। अब बात आपके उस सवाल को लेकर के जहाँ पर आपने कहा कि तेजस्वी की एक नई समीकरण क्या सच में रंग लाई क्या, बिल्कुल शर्मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी ने जो भूमाई समीकरण बनाया इसका असर दिखा है। और 5 सीटें निकाल लेना और इन 5 सीटों के अलावा हम निर्दलीय प्रत्याशी की अगर बात कर रहे हैं तो गुलाब यादव को भी नहीं भूल सकते, क्योंकि वो भी राजद के प्रत्याशी रहे हैं, भले ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उनकी जीत हुई हो। तो कुल मिलाकर के देखें तो इस बार लगभग 7 से 8 सीटों के साथ विधान परिषद में राजद जो होगी वो जाने वाली है, ये तय है। लेकिन अगर 5 सीटें भी जो झटकने में सफल हो पाई है राजद, तो कहीं ना कहीं ये एनडीए के पाले से ये चुराई हुई वो सारी सीटें हैं जो कि आज राजद के साथ है। एक और संकट थी राजद के पास, वो थी कि अगर कम से कम 3 प्रत्याशी 3 सीट जीतना जरूरी था राजद के लिए, ताकि राबड़ी देवी की नेता प्रतिपक्ष वाली विधान परिषद की सीट बचा सके। अब वो तो बचाया ही, बहुमत भी बढ़ती हुई नजर आ रही है विधान परिषद में। शर्मिला, ये तो बीजेपी ने भी इस बार अलग तरह का समीकरण साधा है। हमेशा से बीजेपी को यह कहा जा रहा था कि सवर्णों को ज्यादा तवज्जो बीजेपी देती है, इस बार बीजेपी ने ज्यादा ध्यान दिया है, ज्यादा तवज्जो दलित और अति पिछड़ा समाज के लोगों को दिया है, इस बार सवर्णों को उन्होंने थोड़ा पीछे रखा, तो क्या इससे बीजेपी को नुकसान होता नजर आ रहा है? देखिए, ये जाहिर सी बात है, ये आपने सवाल किया तो जरा इसको समझना पड़ेगा कि आखिर में बीजेपी जो है वो अब अपने रास्ते बदल रही है, राजनीति के नए रूप को अख्तियार कर रही है बिहार में।
अब सवाल यह है कि जिस तरीके से सवर्णों के साथ, क्योंकि पहले खास करके एमवाई समीकरण को लेकर के राजद को याद किया जाता था, हिंदुत्व की बात हो और हिंदू हो सवर्ण हो तो उसके लिए बीजेपी को याद किया जाता था, और इन दोनों के कम्बिनेशन को और कुछ ओबीसी जैसे जो तबका रहा है उसको लेकर के खास करके नीतीश कुमार भी सामने आए थे। लेकिन अब बीजेपी भी बाहर निकल रही है, जैसे हमने कहा कि तेजस्वी यादव ने इस बार भूमाई समीकरण चलाया, तो अब दलितों के तरफ जो बीजेपी है वो लगातार आगे बढ़ती हुई दिख रही है, और जिस तरीके से बीजेपी की लगातार जीत होती जा रही है, यहाँ देखिए, यहाँ अगर किसी को सबसे अधिक नुकसान हुआ है तो वो नुकसान एमएलसी के चुनाव में भी जेडीयू को नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी सीट रही उसके लिए एक मुंगेर की और दूसरे पटना की सीट, इन दोनों सीटों को राजद ने झटक लिया क्योंकि बीजेपी यहां पर थी नहीं, तो कंपेरिजन अगर किया जाएगा राजद के वोट बैंक और नीतीश कुमार के वोट बैंक में, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर तेजस्वी यादव को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तो अब ये झटका इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बराबर के समीकरणों पर दोनों ही दलों ने चुनाव लड़ा था, 50-50 की रणनीति कहने वाले और बार बार खुल करके आग की तरह बयान देने वाले उपेंद्र कुशवाहा ये कहा करते थे कि हम बराबर लड़ेंगे और बराबर जीतेंगे। लेकिन इस बार इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में आपने देखा उस वक्त भी 50-50 की रणनीति चली थी, असर नहीं कर पाया, बीजेपी नंबर वन बन गई, जेडीयू नंबर दो बन गई। एमएलसी के चुनाव में भी 24 सीटों में बराबर बराबर के नियम कायदे कानून अपनाए गए थे, वहां पर भी बीजेपी ने जो अपने चुनाव लड़े उसमें बखूबी आप कहेंगी तो बीजेपी ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है। दूसरी तरफ आप देखिएगा कि बीजेपी से कम नंबर जीतने में जेडीयू रही है, बड़े चेहरे बड़े दावे करने वाले लोग, कहीं ना कहीं ये इसलिए भी निर्भय क्योंकि जेडीयू ने इस बार ज्यादा नया समीकरण नहीं साधा, जेडीयू ने अपने जो वोट बैंक है उससे छेड़छाड़ करना जरूरी नहीं समझा, जो पुराने प्रत्याशी है उन पर जेडीयू ने ज्यादा भरोसा जताया। देखिए पुराने प्रत्याशी की बात तो अलग बात है शर्मिला, अगर वो प्रत्याशी पुराने हो या नया हो, समीकरण पुराना हो या नया हो, लेकिन हम कुछ चीजों को नहीं भुला सकते। देखिए जब चुनाव चल रहा था तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, हाल ही में उन्होंने बिहार का दौरा किया था, उन्होंने